और अब बात विधानसभा उपचुनाव की। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है और जीत के अपने अपने दावे लगातार सभी पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। उधर सिरसा मऊ में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार 28 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश में है। सीसामऊ का कौन होगा सिकंदर, इसी लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जंग जोरदार है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सीसामऊ पर बीजेपी उम्मीदवार को तीसरी बार हराकर हैट्रिक जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर किए जाने का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी को शेरनी करार दिया। दावा किया कि सुरेश अवस्थी को बार बार हारने की आदत है, तीसरी बार भी उन्हें यहां से हराया जाएगा। कैराना की सांसद इकरा हसन भी नसीम सोलंकी के समर्थन में प्रचार करने पहुंची। यहां उन्होंने सूबे की सरकार पर निशाना साधा, कहा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले आजम खान, इरफान सोलंकी और उनके भाई को जेल भेजा गया। बीजेपी झूठे आरोप लगाकर विरोधियों को जेल भेजकर आवाज दबाने का काम करती है। इनके पास एक फॉर्मूला है कि ये आएंगे, बंटवारे की बात करेंगे और फिर वोट ले जाएंगे धर्म और जाति के आधार पर। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार हमारे जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में बेहतरीन साथ हमारी पार्टी का दिया, उसी तरीके से उपचुनाव की 9 सीटें समाजवादी जीतने जा रही है। सीसामऊ में 45% मुसलमान वोटर है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,10,000 है। इसके बाद ब्राह्मण वोटर 70,000 है। तीसरे नंबर पर दलित वोटर 60,000 हैं। इसके अलावा 26,000 कायस्थ वोटर, 6,000 क्षत्रिय और 6,000 सिंधी और पंजाबी मतदाता हैं। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को सीसामऊ से उम्मीदवार बनाया। उसे उम्मीद है कि इस बार वो 28 साल का सूखा खत्म करेगी। सीसामऊ में हर बार मुस्लिम वोटर ही निर्णायक रहे हैं, इस बार भी मुस्लिम वोटर्स ही यहाँ जीत और हार तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।